रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक्दतम मिन लिसानी व यफ़क़हु क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो माजरत, यूट्यूब पे हमारा सेशन चल रहा था जो किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से वहां पर कंटिन्यू नहीं हो पाया। हमारा सेशन यहाँ लाइव जा रहा है, काइंडली हमें ज्वाइन कीजिए ताकि हम जिस इनिशिएटिव को लेके आज आपके सामने आए हैं और पिछले 15 दिन से हम आपसे इस चीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि हेल्दी रमजान विथ डायबिटीज टेलीकेयर, ये वो इनिशिएटिव है जो तमाम ज्याबतीस के मरीजों को ये उम्मीद दिला रहा है कि आप ज्याबतीस के साथ सेहतमंद तरीके से रोजे किस तरीके से रख सकते हैं। अगर आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए ताकि मैं अपनी वीडियो का, अपने प्रोग्राम का स्टार्ट ले सकूं और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो आज हम करने आए हैं उस पर हम डिस्कशन कर सकें। और ये लाइव सेशन करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इसको इंटरेक्टिव बनाना है और आपके तमाम सवालात के जवाब लाइव देना है। प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। आई डोंट नो, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से हम यूट्यूब पे अपना सेशन कंटिन्यू नहीं कर पाए, हमने फेसबुक पे इसको कंटिन्यू किया है। आई थिंक लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए ताकि हम इनिशिएटिव ले सकें अपने प्रोग्राम का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है बेसिक इश्यूज जो एक डायबिटिक पेशेंट को रमजान के जब वो रोजे माशाल्लाह ताला रखते हैं और जो इनको प्रॉब्लम्स फेस होती हैं वो क्यों होती हैं, क्या वजूहात होती हैं और किस तरीके से हमारी कोशिश होगी कि हम आपको वो टिप्स प्रोवाइड कर सकें कि आपको जो इश्यूज आ रहे हैं उनको आप डिटेक्ट भी कर सकें, उसका रीजन भी जान सकें और इसके सोल्यूशन को भी देख सकें। प्लीज मुझे कमेंट कीजिए ताकि हम अपने सेशन का बाकायदा आगाज कर सकें। राइट, काफी लोग ज्वाइन हो गए हैं। अनफॉर्चुनेटली कि हम अपनी पावर पॉइंट जाजेब किबरिया, यस आई एम टेलिंग यू कि आपको रिकमेंडेड टाइमिंग, ये प्रोग्राम प्लीज एंड तक सुनिएगा। एक्चुअली हम तमाम एजुकेशन जो हम आप तक प्रोवाइड कर रहे हैं और जो डायबिटीज टेलीकेयर आप लोगों तक पहुंचा रहा है उन सब चीजों का फायदा क्या होगा। उन सब चीजों का फायदा ये होगा कि आपके रमजान इंशाल्लाह ताला सेहतमंद तरीके से गुजर सकेंगे, आपके शुगर्स बहुत हद तक इंशाल्लाह कंट्रोल में रहेंगे, आपको अंदाजा होगा कि कब आपकी तबीयत जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है तो इसका क्या मतलब है। इसके अलावा आपको ये तमाम चीजें बताने का मकसद आप लोगों को मोटिवेट करना है कि वो तमाम लोग जो सेफ कैटेगरी में हैं, जो जिनको रिस्क नहीं है, जो लो रिस्क पे हैं, उनके साथ जो है वो कैसे सेफली रोजा रख सकते हैं और रोजे में पेश आने वाले जो छोटे मोटे मसाइल हैं उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं बताती चलूं कि रोजे के दौरान जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस होती हैं उसमें शुगर का कम हो जाना है, शुगर का बढ़ जाना है, ठीक है। नंबर थ्री, चूंकि समर के हमारे यहाँ चूंकि मेजॉरिटी पाकिस्तान से ताल्लुक रखती है और हम समर सीजन में एंटर हो चुके हैं तो हम एक पीक समर में होने की वजह से रोजे के दौरान जो सबसे बड़ा मसला होता है वो होता है पानी की कमी। पानी की कमी होने से सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो यही है कि शुगर्स बढ़ जाते हैं और शुगर बढ़ने के क्या क्या अलामत है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, चौथा जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ज्यादातर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक पेशेंट्स, टाइप वन डायबिटिक पेशेंट जो कंपेरेटिवली यंग एज के डायबिटिक पेशेंट है, जब वो अगर रोजा रख रहे हैं लेकिन वो कैसे ओवरकम किया जा सकता है या कैसे उससे बचा जा सकता है वो इंशाल्लाह मैं आपको बता रही हूँ। आमिर बेग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाजेब किबरिया, आपके सवाल का जवाब तो मेरा मैं आपको दे रही हूँ। शाहिदा इलियास, वीकनेस फील होती है, दवा किस टाइम पे लूं? देखिए, दवाई के बारे में जहां तक बात है मैं आप लोगों के सामने ये बात बहुत हद तक क्लियर कर चुकी हूँ कि मेडिसिन, देखें हमें सुनने वाले हजारों लोग हैं, हजारों लोग मुख्तलिफ किस्म की मेडिकेशन ले रहे हैं, मुख्तलिफ एज ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। यहां पर हम इन जनरल दवा के बारे में गाइड नहीं कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो डायबिटिक पेशेंट हैं जो अपनी मेडिसिन की एडजस्टमेंट करवाना चाहते हैं वो काइंडली, मेरा प्री रमजान का कंसल्टेशन सेशन स्टार्ट हो चुका है, आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट्स एज सून एज बुक कीजिए क्योंकि हमारे पास पूरे पूरे हफ्ते की बुकिंग्स पहले से आ गई है।
तो ऐसा ना हो कि आप रमजान शुरू हो जाए और आप लोगों को अपॉइंटमेंट ना मिल सके, क्योंकि मेरी कोशिश है, मैं दिन में 3 टाइम कंसल्टेशंस दे रही हूं, सिर्फ इसलिए कि तमाम लोगों को जो है वो कवर अप किया जा सके रमजान से पहले। ठीक है जी। अच्छा, अब बात यह है कि इंपॉर्टेंट सवालात जो आप सबसे ज्यादा डायबिटीज होने की वजह से सोच रहे होते हैं कि अब रमजान का महीना आने वाला है, तो सबसे पहला सवाल तो जो शायदा आपने किया कि दवा किस टाइम पे लूं, तो डेफिनेटली सबसे पहली सोच यही आनी चाहिए जो हम रमजान से 4 से 6 हफ्ते पहले आपको बताना शुरू करते हैं। तो इस बात का तायुन आप सबसे पहले करेंगे कि आपने अपनी दवाइयां कैसे लेनी है। अगर आप अपने डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, जस्ट गो और विजिट कीजिए उनके पास रमजान से पहले। अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटीज मौजूद हैं, और इसके अलावा मैं कराची में क्लिनिक भी करती हूं, तो कराची वाले मुझसे क्लिनिक पे आके मिल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो बेसिक इशू होता है फास्टिंग के दौरान वो दवाइयों की मिसमैनेजमेंट है। जो लोग रोजा रख रहे हैं और रोजा रखने से पहले वो जिस तरीके से दवाइयां खाते हैं, बराहे करम मेहरबानी करके बिल्कुल उसी तरीके से रमजान के महीने में नहीं खाई जाती हैं। कुछ रद्दोबदल, कुछ दवाइयों, कुछ इंसुलिन के साथ हमें करना पड़ता है, और उसके साथ साथ हम स्ट्रांग कम्युनिकेशन में रहते हैं। प्लीज हमारे वो पेशेंट्स जो रोजा रखने के दौरान अपनी मेडिसिन सेल्फ एडजस्ट करते हैं, प्लीज अपनी फास्टिंग को हेल्दी बनाने के लिए रमजान से पहले डॉक्टर से राबता बहुत हद तक कोशिश करें कि आपका हो जाए। ऑनलाइन फैसिलिटीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और अपनी इंसुलिन को, अपनी मेडिकेशंस को सेल्फ एडजस्टमेंट करने से प्लीज गुरेज करें। ठीक है जी। अच्छा जी, सेकंड जो सबसे बड़ा इशू हम इसे कहेंगे और सबसे बड़ा हम क्वेश्चन भी कहेंगे कि जो रमजान में आता है कि मैं अपनी शुगर किस टाइम पे चेक करूं, क्योंकि जाहिर है रमजान में हम सहरी करते हैं, हम इफ्तार करते हैं, और इफ्तार के बाद एक डिनर का सेशन होता है, मेजॉरिटी में होता है, कुछ में होता होगा कुछ में नहीं होता होगा, लेकिन मैं एक मेजॉरिटी की बात कर रही हूं इन जनरल। लेकिन चूंकि एक तो देखिए हमारे पास वो कैटेगरी है जिसको हम बिल्कुल लो रिस्क पे कहते हैं, ठीक है, हम उनको कहते हैं कीप एन आई, ऐसा ना हो कि आप अपनी शुगर्स को जो है वो खराब कर लें। लेकिन हम शुगर्स की चेकिंग ड्यूरिंग द फास्टिंग रिकमेंड करते हैं सबसे ज्यादा मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में उन लोगों को, कि जिनको हम कहते हैं कि आप रोजा रख तो सकते हैं लेकिन एहतियात से। तो अब ये शुगर कब टिके, तो सबसे जो एक तो टाइम है शुगर चेक करने का वो है सहरी से पहले, क्योंकि आप सहरी के टाइम पे मेडिकेशन भी ले रहे हैं, इंसुलिन लगाने वाले इंसुलिन भी लगा रहे हैं, तो आपने सहरी से पहले जो है वो अपनी शुगर जरूर चेक कर लेनी है। ठीक है। नंबर टू जो सबसे सेकेंड टाइम आता है, जो पीक टाइम होता है, वो है कि सहरी, अगर चूंकि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त सहरी जो है वो रमजान में तकरीबन 5, 5:15 के करीब आ जाएगी, तो उस वक्त आपने अपने शुगर चेक कर ली है, उसके बाद आपने सहरी कर ली है, और उसके बाद जो टाइम है शुगर चेक करने का वो है दोपहर के 12 बजे। ठीक है, ये सेफ्टी रिस्क वाले भी और मॉडरेट रिस्क वाले भी, कि 12 बजे तो करनी ही करनी है, लेकिन जिनको हम बहुत ज्यादा इंडिकेट करते हैं उनके लिए फिर कोशिश ही होती है कि आप जब सुबह सो के उठते हैं, अगर आप सुबह अर्ली उठे 9 बजे या 10 बजे, अगर आपकी ऑफिस जॉब है, तो प्लीज जाने से पहले एक शुगर अपनी चेक कर ले, मतलब मल्टीपल टाइम्स, खासतौर पर जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, खासतौर पर जो बहुत ही ज्यादा एहतियात से जिनको रोजा रखने के लिए कहा गया है और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग पे रखा गया है, तो उनको दिन में कम से कम 6 दफा शुगर चेक करनी है। लेकिन जो टाइप 2 के पेशेंट हैं, सेफ जोन में हैं, उनके लिए दिन में कम से कम 3 दफा, पहला टाइम सहरी से पहले, दूसरा टाइम 12 बजे, तीसरा टाइम इफ्तार से पहले। ठीक है, ये 3 टाइम पे आपने शुगर लाजमी चेक करनी है, और जो चौथा टाइम है जो कि रिकमेंड किया जाता है वो है इफ्तार के 2 घंटे के बाद, जब आप अपना मील ले लेते हैं प्रॉपर मील, अगर आप इफ्तार के साथ ही अपना प्रॉपर मील ले रहे हैं तो 2 घंटे के बाद। इससे हमें रैंडम का अंदाजा होगा, इससे हमें यह अंदाजा होगा कि आपकी फास्टिंग के दौरान जो शुगर बढ़ी है या आपकी मील रिस्पॉन्स में आपकी शुगर कितनी बढ़ी है और आपकी दवाइयां कैसे एडजस्ट करनी है। एक बात और याद रखिए कि प्लीज ऐसा मत कीजिएगा कि पूरी रमजान आप अपने डॉक्टर से रابطे में ना रहें।
शायद रमजान के महीने में बाहर जाके डॉक्टर से मिलना और शुगर के बारे में मजीद अपनी एडजस्टमेंट करवाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि आप रोजे भी रख रहे हैं और दिन के टाइम पे फिर आप डॉक्टर के पास। यही वजह है कि हेल्दी रमजान विद डायबिटीज टेलीकेयर आप लोगों के लिए 30 डेज का एक पैकेज अनाउंस करने जा रहा है, जिसमें आप रोजा भी रखें और रोजा रखने के साथ अगर आपको कोई भी मसला है तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू फॉर 30 डेज टू प्रमोट हेल्दी फास्टिंग विथ डायबिटीज। ठीक है। अच्छा शाहिदा इलियास, क्लिनिक कहाँ है आपका? शाहिदा मेरे दो क्लिनिक्स हैं, एक ऑनलाइन है और एक कराची में है। आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा और हमारे पेज पे भी मौजूद है, आप व्हाट्सएप करके तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। तो शुगर कब कब चेक करनी चाहिए? आमिर बेग आपका सवाल था कि शुगर, आमिर बेग का सवाल था नहीं, जहांजेब किबरिया आपका सवाल था कि रमजान में, तो जहांजेब किबरिया आई रिमेम्बर यू आर अ टाइप 2 पेशेंट, तो टाइप 2 के लिए दिन में 3 दफा सहरी से पहले, दोपहर 12 बजे, इफ्तार से पहले, और अगर आपको बहुत ज्यादा, अगर आप इफ्तार से पहले नहीं कर पाए हैं या अगर कोई टाइम मिस हो गया है, तो इफ्तार जो मेन मील आपकी है उसके 2 घंटे के बाद, टू असेस योर पोस्ट मील शुगर लेवल्स और अ रैंडम शुगर लेवल। ठीक है जी। तो ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप रोजा रख लें और रोजा रखने के दौरान तबीयत खराब हो जाए तो क्या मैं रोजा तोड़ सकता हूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोजे के दौरान अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि सर में दर्द हो रहा है, सुस्ती हो रही है, कमजोरी फील हो रही है, नकाहत जैसा हो रहा है, सर में चक्कर आने की शिकायत है, बहुत कमजोरी होना शुरू हो जाती है। ये वो तमाम चीजें हैं जो कि इंडिकेट करती हैं कि या तो शुगर्स आपकी कम है या शुगर्स आपकी बढ़ गई है। प्लीज दिस इज माई रिक्वेस्ट, क्योंकि हमारे तमाम पेशेंट्स अक्सर और बेशतर ऐसा करते हैं कि रोजे के दौरान अगर कमजोरी महसूस हुई है या इफ्तार से थोड़ा टाइम पहले ऐसा लग रहा है कि चक्कर आ रहे हैं, और वो सिर्फ उसको शुगर की कमी का बायस समझते हैं और इफ्तार होते ही शरबत के 2 ग्लास पी लिए जाते हैं। सो काइंडली जब भी आपका रमजान में रोजे के दौरान अगर आपको कोई भी ऐसी अलामत नजर आ रही है तो प्लीज अपनी शुगर उसी वक्त चेक कीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें पेशेंट्स करते हैं कि क्या रोजे के दौरान शुगर चेक की जा सकती है, तो डेफिनेटली हम आपको बार बार यही कहते हैं कि आप रोजे के दौरान 3 से 4 दफा अपनी शुगर जरूर चेक करें। लेकिन अगर आपने चेक कर भी लिए लेकिन अनइवेंट टाइम पे आपको कमजोरी महसूस हो रही है, लेथार्जिक हो रहे हैं आप, तो भी आपने उसी वक्त अपनी शुगर चेक करके ये असेस करना है कि आया ये सिम्टम्स आपके शुगर बढ़ने के या शुगर की कमी का बाइस तो नहीं है। अगर आपकी शुगर लेस देन 70 हो जाए, लेस देन 70 हो गई है, आपको अलामत नजर आई, आपको कपकपाहट शुरू हुई है, पसीने आ रहे हैं, बहुत कमजोरी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, और आपने शुगर चेक की है और वो 70 या 70 से बिलो है, तो आपको इजाजत है कि आप अपना रोजा तोड़ सकते हैं, रोजा खोल सकते हैं। ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात पूरी दुनिया के जो मुफ्ती, पूरी दुनिया के एक स्कॉलर्स को से मुतफिका राय के तौर पे जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनके मुताबिक शरण इस चीज का फैसला हुआ है कि अगर आप ज्याबतीस के मरीज हैं और आपकी शुगर रोजे के दौरान 70 से कम हो रही है तो आपको रोजा इफ्तार कर लेना चाहिए। ठीक है। अगर इसके ऑपोजिट मामला है, यानी कि आपकी शुगर कम होने के बजाय बढ़ी हुई है, अच्छा बढ़ती हुई शुगर में भी अक्सर यही होता है, सर भारी होने लगता है, आंखों में थोड़ी धुंधलाहट आने लगती है, इसके अलावा बहुत एक्सट्रीमली प्यास महसूस होने लगती है, यूरिनेशन का ख्याल बार बार आने लगता है, तो ऐसी सूरत हाल में आपने क्या करना है कि आपने शुगर चेक करनी है, और शुगर चेक करने के साथ अगर आप देख रहे हैं कि 300 से शुगर ऊपर है, 300 से अगर शुगर ऊपर है तो आपको रोजा इफ्तार कर लेना है। ठीक है। दो चीजें आपको समझ में आ गई, 70 से कम और 300 से ज्यादा पे।
ये हमें एडवाइस की जाती है तमाम डायबिटिक पेशेंट्स को कि उनका रोजा इफ्तार हो जाना चाहिए। अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले लूँ, कुछ ज्यादा हो गए हैं। इमरान मुस्तफा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर बेग, इंसुलिन किस वक्त लगानी चाहिए रमजान में? देखिए आमिर बेग, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, आपकी इंसुलिन डिफरेंट है, मैं जनरल तौर पर यहाँ पर गाइड नहीं कर सकती हूँ। हाउ कैन आई लोअर एलडीएल 20 मिलीग्राम फ्रूटफुल काइंडली? इमरान, देखिए अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का इश्यू है तो आप प्लीज इंडिविजुअली मुझसे कंसल्ट कीजिए ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकूं और असेस कर सकूं कि आपका कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ा हुआ है। अच्छा, द वे ऑफ ट्रीटमेंट इज व्हेन आई स्टार्ट ट्रीटमेंट डायबिटीज फ्रॉम डॉक्टर आई विल कंट्रोल माय HbA1c। आमिर बेग, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक एंड आई होप कि आप इंशाल्लाह ताला जो प्रॉब्लम्स थी आपकी सॉल्व हुई हैं और आप जो है वो कंट्रोल कर चुके हैं। कुलसुम साजिद खान, मुझे रोजे के दौरान बहुत ज्यादा नकाहत हो जाती है, असर टाइम बहुत लो हो जाती है शुगर, क्या मैं इंसुलिन आम रूटीन से कम लगाऊं? कुलसुम साजिद खान, अगेन मैं यही कहना चाह रही हूं, रमजान से पहले या तो आपके अपने डॉक्टर से जाके रुजू कीजिए और उनसे गाइडलाइन लीजिए कि आपको अपनी इंसुलिन कैसे सेट करनी है, अदरवाइज हम आपके लिए अवेलेबल हैं और जो हमारी अपॉइंटमेंट्स हैं ऑलरेडी पूरे हफ्ते की बुक हो चुकी हैं, तो आप भी अगर हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन बजरिया वीडियो हमारी अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं और प्रॉपर तरीके से कंसल्ट कर सकते हैं और रमजान के दौरान भी हम अवेलेबल हैं। ठीक है, आपने किसी भी टाइम पे कोई भी चीज है तो हम रमजान के दौरान भी अवेलेबल हैं। सो प्लीज अपनी तरफ से सेल्फ एडजस्टमेंट ना करें। मैं 12 बजे तक बहुत हाई रहती है, रोजे के दौरान और असर के बाद लो हो जाती है। तो कुलसुम, अगर ऐसा होता है तो पहले तो आपने अपना रिस्क स्कोर कैलकुलेट किया है कि आपका रिस्क स्कोर क्या आ रहा है, पहली वीडियो आप मेरी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, उसे देख लीजिए। अगर आप सेफ्टी एरा में आ रही हैं तो आप जो है वो बिल्कुल रोजा रखिए और रोजे के दौरान अगर आपको इस तरह की अलामत आती है तो अगर आपको ये चीज पता है पहले से तो प्लीज अपनी इंसुलिन रोजे से पहले सेट करवाइए। ठीक, तो ये वाली तमाम चीजें हमारी क्लियर हो गई। नाउ बेसिक इशू में जो तीसरी चीज है जो हमसे लोग पूछते हैं कि रोजे के दौरान हम वर्जिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो चूंकि डायबिटीज की एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट प्लान है, हम एक्सरसाइज ना करने का मशवरा कभी नहीं देते, लेकिन यह है कि अगर आप रोजे के दौरान एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं या अगर आपने जिम ज्वाइन किया हुआ है तो रोजे के दौरान कोशिश करें कि लाइट एक्सरसाइज को फॉलो करें, वॉक इज द चीपेस्ट एक्सरसाइज। अगर आप जिम वगैरह ज्वाइन किया हुआ है या अगर आपने जो है अगर आप बहुत ही ज्यादा ब्रिस्क वॉक करते हैं, या हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो थाउजेंड्स ऑफ स्टेप्स जो है वो डेली ले रहे होते हैं और उसी से ही उनकी शुगर कंट्रोल है, तो प्लीज फिर आप कोशिश करें कि इफ्तार के बाद वाला टाइम चूज करें। और जो लोग हमारे लाइट टू हैवी, लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि वो तरावी अदा करें। और शरण इंटरनेशनली भी इस चीज को अप्रूव किया गया है कि अगर आप 20 रकात तरावी के अदा कर लेते हैं तो वो भी एक वन ऑफ द गुड एक्सरसाइज में शामिल है। ठीक है, तो ये वाली चीजें हो गई। कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताइए, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि नाउ अब सवाल ये है कि हम ये जो शुगर का कम हो जाना या शुगर का बढ़ जाना या इस तरह की जो अलामत आती हैं इनसे हम कैसे बच सकते हैं, तो इनसे हम इसी तरीके से बच सकते हैं कि आज ही एक पेपर पेंसिल लीजिए, अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाइए कि और अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ठीक है, वरना मैं डॉक्टर सनिया बशीर आप लोगों के साथ खड़ी हुई हूँ शुगर की एडजस्टमेंट करने में, शुगर की प्रॉपर मैनेजमेंट करने में, और पूरी रमजान आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला कोई भी प्रॉब्लम है हम आपके साथ अवेलेबल हैं। अगर आप अपने जो आपके जिनसे आप हमेशा कंसल्ट करते हैं अगर आप उन डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे, ठीक है, तो आपने कंसल्टेशन प्रायर विथ योर डॉक्टर इज द वेरी इंपॉर्टेंट टिप ताकि आपकी रमजान हेल्दी गुजरे। दूसरा, अगेन मेडिसिन एडजस्टमेंट, रेगुलर मेडिकेशन, प्लीज दवाइयां मत छोड़ें कि मैं चूंकि 2 टाइम खाती थी अब रोजे रख रही हूं तो मैंने दवा 1 टाइम कर दी है, या मैं जो है वो 3 दवाइयां मुझे डॉक्टर ने दी थी मैंने 2 कर दी हैं, मैंने इंसुलिन का डोज कम कर दिया है। प्लीज सेल्फ एडजस्टमेंट से ग्रेस करें। इफ्तार से लेकर सहरी तक पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखें।
कौन कौन से ड्रिंक्स लिए जा सकते हैं, तो इसकी वीडियो हमारी अपलोडेड है यूट्यूब पे कि आप गर्मी के मौसम में हेल्दी रमजान गुजारने के लिए लिक्विड इनटेक फ्रॉम इफ्तार टिल सहरी आपने अच्छा लिक्विड इनटेक मेंटेन रखना है। अगेन अवॉइड स्ट्रेनस एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज आप रोजे में ना करें कि वो आपकी शुगर कम या बढ़ने का बाइस बने। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि चूंकि हमारा समर सीजन है तो कोशिश करें कि ईद की शॉपिंग के लिए रमजान के दौरान फास्टिंग आवर्स में बाहर ना निकलें। आपकी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है और रोजे में अगर आप गर्मी और ह्यूमिड वेदर में बाहर निकलते हैं तो यकीनन वो आपकी शुगर्स को डिस्टर्ब करने में रोल प्ले करती है। व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट इन सहूर, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कि हम सहरी में क्या खाएं और इफ्तारी में क्या खाएं, तो इसके लिए इंशाल्लाह ताला कमिंग वीकेंड पे मैं अगेन आप लोगों के सामने हाजिर होंगी उस पूरी वीडियो के साथ कि सहरी में क्या खाना है, इफ्तार में क्या खाना है, फ्राई आइटम खा सकते हैं या नहीं, छोले दही बड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो वो वीडियो इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ ही रहेंगे और लाइव सेशन करेंगे इंशाल्लाह कमिंग वीकेंड पे। अब सवाल ये है कि एक टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट जो कि सेफ्टी जोन में है, इंसुलिन लगा रहे हैं, वो किस तरीके से अपने इन इश्यूज को सॉल्व करते हुए एक हेल्दी रमजान गुजार सकते हैं। तो टाइप 1 पेशेंट्स को एक बात याद रखें कि चूंकि उनकी इंसुलिन लग रही है तो उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं हाइपोज के, तो उनको कीप एन आई ऑन योर शुगर लेवल्स। आपने दिन में 4 से 5 दफा अपनी शुगर चेक कर लीजिए, ठीक है। प्री रमजान रिस्क असेसमेंट शुड बी डन। अगेन आपको जैसे बता दिया गया है और आपके जो जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके यंग वंस या आपके बच्चे या अगर आपके फैमिली में कोई भी टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट है और वो निस्बतन यंग एज का है, तो प्लीज उसे हाइपो और हाइपर के सिम्टम्स जरूर बता दीजिए, ताकि अगर उसकी उम्र 11 साल 12 साल 10 साल है और चूंकि बच्चे इस उम्र में शौक से रोजा रख रहे होते हैं, तो आप उन्हें जरूर बताइए कि अगर शुगर कम होने की अलामत नजर आ रही है या शुगर बढ़ने की अलामत नजर आ रही है तो वो आपको जरूर बताइए, ताकि आप उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और उनको कोई अल्लाह ना करे कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो उनको डिटेल डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। फ्रिक्वेंट ग्लूकोज टेस्टिंग, फास्टिंग शुड बी ब्रोकन। अगर आपका 70 से कम या 300 से ऊपर है, टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स की बात हो रही है, यू शुड ब्रेक योर फास्ट। और इंसुलिन एडजस्टमेंट, प्लीज प्लीज मैं बार बार एक बात को इसलिए रिपीट करती हूं ताकि ये बात आप लोगों तक बहुत अच्छे से डिलीवर हो जाए कि इंसुलिन एडजस्टमेंट इज मैंडेटरी बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ रमजान इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। डाइट प्लान जिस हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे कि डाइट प्लान में आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है। टाइप 2 पेशेंट्स के लिए जो है वो अगेन वो यही है कि आपको काउंसलिंग की है, आपने अपनी एक्सरसाइज को मेंटेन रखना है, आपने अपनी डाइट को मेंटेन रखना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, लिक्विड इनटेक आपने अच्छा रखना है और ग्लूकोज पे ऑन एंड ऑफ आपने नजर जरूर रखनी है। ऐसा ना हो कि पूरी रमजान आपने शुगर चेक नहीं की हो, ठीक है। तो बेसिक इशू वाइल फास्टिंग है, उसमें हमारी वो खवातीन जो के प्रेगनेंसी में है, कंसीव किया हुआ है एंड दे आर डायबिटिक एंड दे वांट टू डू फास्ट, तो उनके इश्यूज को कैसे सॉल्व किया जाए, तो उसमें कुछ लिमिटेड बातें हैं जो जहन में रख लीजिए कि उनके लिए भी शुगर की मॉनिटरिंग बहुत मैंडेटरी है कि अगर आप रोजा रखना चाहती हैं और अगर आपकी शुगर्स कंट्रोल्ड हैं और अगर आप सेफ जोन में हैं तो रोजा रखिए, लेकिन अपनी शुगर पे नजर जरूर रखिए। प्रेगनेंसी वाली खवातीन के लिए टारगेट जो होता है कि उनकी फास्टिंग 70 से 95 होनी चाहिए और उनकी पोस्ट मील शुगर लेस देन 120 होनी चाहिए। वो फीटल मूवमेंट्स यानी कि बच्चे की हरकत कम महसूस हो रही हो तो प्लीज अपना रोजा इफ्तार कर लीजिए, और अगर आपको नकाहत या कमजोरी महसूस हो रही हो तो प्लीज आप रोजे रखने से गुरेज कीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ आपके बच्चे की भी जान बहुत ज्यादा कीमती है, ठीक है जी। सो राइट, सो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म हुआ और प्लीज कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज पोस्ट कीजिए ताकि यहां पर मैं आपके तमाम सवालात के जवाब दे सकूं। कुलशन काइंड तमाम चीजों के साथ आप लोगों से इजाजत चाहती हूं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस
वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ कि डायबिटीज के वो तमाम मरीज जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, डायबिटीज टेली केयर को फॉलो कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह ताला इस रमजान को हेल्दी रमजान विद डायबिटीज टेली केयर मनाएंगे, अच्छे से मनाएंगे इंशाल्लाह, और बहुत हेल्दी तरीके से रोजा रखेंगे। मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन के साथ हाजिर होंगी, जिसमें हम बात करेंगे कि रोजे में क्या खाएं और किन चीजों से परहेज करें, कौन से मशरूबात खाएं, क्या मीठा खा सकते हैं, खजूर कितनी खा सकते हैं, क्या फेनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम चीजों के साथ मैं हाजिर होंगी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, और मुझे दीजिए इजाजत, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।